हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको यहाँ पर आपका स्क्वायर कॉलम का दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल स्क्वायर कॉलम का क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में हम आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी बताएंगे कि जो बार बेंडिंग शेड्यूल निकाला जाता है स्क्वायर कॉलम के लिए, कि यानी कि कॉलम में किस लेंथ के वर्टिकल बार डाली जाएगी और किस लेंथ की आपकी जो फुटिंग में बार डाली जाएगी वो किस लेंथ की आपको रखी जाएगी, ठीक है। तो उसके बारे में आपको क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो वो भी आपको पूछ लिया जाता है। अब खासकर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा पूरा का पूरा, जैसे यहां पर कॉलम का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बाद में बोल देगा प्रिपेयर द बार बेंडिंग शेड्यूल। तो आपको यहां पर बार बेंडिंग शेड्यूल की सूची भी बनाकर दिखानी होती है, ठीक है। तो चलिए हम निकालेंगे कि वर्टिकल लेंथ के जो मेन बार के सरिए है वो कितनी लंबाई के काटने हैं हमें और फुटिंग में कितनी लंबाई के सरिए हमें काटने हैं। वो सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, बार बेंडिंग शेड्यूल से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे और बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के बाद हम यहां पर उसकी ड्रॉइंग ड्रॉ करेंगे कि फिर ड्रॉइंग कैसे ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को रीड करना। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है। क्वेश्चन दिया गया है आपको ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन। आपको प्लान बनाना है और एलिवेशन बनाना है। प्लान और एलिवेशन क्या होता है, प्लान होता है जब आप किसी भी वस्तु को या बॉडी को टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने पर वो कैसे उसकी ड्राइंग दिखाई देगी वो, और एलिवेशन क्या होता है जब किसी वस्तु को आप फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से देखने पर वो कैसे दिखाई देगी। ध्यान देना, एलिवेशन फ्रंट से देखने पर, प्लान क्या होता है टॉप से देखने पर बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, ड्रॉ द प्लान एंड एलिवेशन विद रेनफोर्स सीमेंट, विद रेनफोर्स सीमेंट डिटेल्स ऑफ स्क्वायर कॉलम। कैसा कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, विद फुटिंग विद फ्लोविंग डाटा। निम्नलिखित डाटा आपको यहां पर मेंशन कर दिया है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार, निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार एक वर्गाकार स्तंभ न्यू का क्या बनाना है आपको, शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य। शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू, शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू, टॉप व्यू मतलब प्लान। सम्मुख दृश्य, सम्मुख दृश्य मतलब एलिवेशन, एलिवेशन मतलब सम्मुख मतलब फ्रंट व्यू, ठीक है। प्रबलन विवरण सहित आरेख खींचिए। प्रबलन विवरण, प्रबलन क्या होता है, सरिये, सरिये का विवरण आपको देना है, पूरा विवरण देना है, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल की प्रबलन आपको विवरण क्या देना है कि आपके जो वर्टिकल बार्स डाली जाएगी वो कितनी लंबाई के आपका सरिया काटा जाएगा, ठीक है, और फुटिंग में जो सरिया डाला जाएगा वो कितनी लंबाई का काटा जाएगा, ठीक, वो सारा सारा विवरण आपको देना है। यहां पर आप देखिए कि आपको क्या दी गई है डिटेल, आपको दिया गया है साइज ऑफ कॉलम। कॉलम का साइज आपका है 300 × 300 mm, यानी के स्तंभ की माप, स्तंभ की माप आपकी 300 × 300 mm की। फिर आपको दी गई है डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग आपको कितनी दी गई है, नींव की गहराई 1 मीटर, कितनी 1 मीटर। आपको दी गई है हाइट ऑफ कॉलम, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है आपकी 3 मीटर, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है आपकी 3 मीटर, ठीक है। आगे आपको क्या दिया गया है, मेन रेनफोर्स सीमेंट यानी कि मुख्य प्रबलन, मुख्य प्रबलन है 6 नंबर्स। आपको इस कॉलम में 6 बार डालनी है। इससे पहले जो ऑलरेडी मैंने बताया था उसमें हमने कितनी बार का बताया था आपको, 4 बार का बताया था, इसमें 6 बार डालनी है। हम आपको आगे चल के 8 बार का बताएंगे कि अगर आपको 8 वर्टिकल बार डालनी है तो कैसे बनाने होंगे। तो 6 बार डालनी है और उनका डाया आपका 20 mm का। आगे लैटरल टाइज, लैटरल टाइज यानी कि पार्श्व तान चढ़े, ठीक है। लैटरल टाइज आपको दी गई है 8 mm डाई की है और 250 mm सेंटर टू सेंटर उनकी स्पेसिंग है, ओके। साइज ऑफ फुटिंग, न्यू की माप, साइज ऑफ फुटिंग, न्यू की माप, न्यू की माप आपकी 2.5 × 2.5 मीटर। ये आपका जो न्यू है या फुटिंग है, फुटिंग का जो साइज है 2.5 × 2.5 मीटर की है, ठीक है। तो आपकी जो आपकी फुटिंग है वो कैसी है, स्क्वायर फुटिंग है और कॉलम भी कैसा है आपका, स्क्वायर है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपको क्या दिया गया है, आगे दी गई है आपको डेप्थ ऑफ फुटिंग बोथ साइड, डेप्थ ऑफ फुटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में जो फुटिंग की मोटाई है, ठीक है, कितनी है, न्यू की मोटाई दोनों तरफ कितनी है 300 mm, क्योंकि ये सिंपल आपकी फुटिंग है, सिंपल फुटिंग है। जब आइसोलेटेड फुटिंग होगी तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान देना, ये आपकी सिंपल फुटिंग है। जब आपकी फुटिंग आइसोलेटेड होगी तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी थोड़ा अलग से दिखाई देगा, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर बताएंगे हम आपको। आगे आपको दी गई है रेनफोर्स सीमेंट एट बॉटम, बॉटम में यानी कि आपकी फुटिंग में जो रेनफोर्स पड़ा है, तल में प्रबलन,
तल में जो प्रबलन यानी कि आपकी फुटिंग में जो प्रबलन आप डाल रहे हो वो कितना है, 12 mm डाई का है, 12 mm डाई का है और स्पेसिंग 180 mm सेंटर टू सेंटर है, उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 180। प्लिंथ लेवल है आपका कुर्सी तल 50 cm, प्लिंथ लेवल आपका 50 cm। तो ये आपको पूरी डिटेल क्वेश्चन में दे दी गई है, क्या ये पूरी डिटेल आपको क्वेश्चन में दे दी गई है। अब इसको हमें कैसे यूज करना है वो देखेंगे। हमें सबसे पहले क्या निकालना है क्वेश्चन में, बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है, हमें क्या निकालना है, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल। तो हमें क्या निकालना है, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम जो वर्टिकल बार डालेंगे उसकी लेंथ निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ मेन वर्टिकल बार। आपको सबसे पहले क्या निकालनी होती है, आपको लेंथ निकालनी है कि देखो समझना, ये मेरा कॉलम है, ये मेरा क्या है कॉलम, ये इसके नीचे है फुटिंग इसकी, ये इसके नीचे इसकी क्या है फुटिंग, और ऊपर हो गई इसकी स्लेब, ऊपर क्या हो गई ये स्लेब हो गई। मैं स्लेब को जिगजैग फॉर्म में ऐसे कट कर देता हूँ, ये ऊपर स्लेब, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, वर्टिकल। अब नीचे देखो, इसमें ये नीचे पड़े हुए आपके यहाँ पर किसमें, फुटिंग में रेनफोर्स पड़ा हुआ है। अब वर्टिकल आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेन वर्टिकल बार, जो ये वर्टिकल बार आप यहां से लेके यहां पर डालोगे, इसमें जो ये बार डाल रहे हो आप, ठीक है, इधर हम बैंड करते हैं 12.5 और स्लेब में भी हम बैंड करते हैं 12.5। तो आपको क्या चाहिए, यहां से लेकर जो यहां तक लेकर यहां तक आपने सरिये को मोड़ा है, तो कितनी लंबाई का सरिया आपको काटना है, जो आपकी टोटल लेंथ होती है सरिये की 13 मीटर होती है, 13 मीटर होती है। तो आपको इस कॉलम में जो ये कॉलम आप बना रहे हो, यहां पर कॉलम आपका क्या है, कॉलम है आपका, जो कॉलम बना रहे हो इसमें ये लेंथ कितनी लंबाई का सरिया काटेंगे, तो वही हमारा होता है लेंथ ऑफ मेन वर्टिकल बार। तो देखो कैसे निकलता है, ये है आपका ग्राउंड लेवल, समझना, ये है आपका ग्राउंड लेवल। अब ग्राउंड लेवल तक की उसने गहराई दे रखी होगी, यहां पर देखो, यहां पर आपको दे रखी होगी डेप्थ ऑफ फुटिंग, न्यू की गहराई। तो यहां तक आपकी जो गहराई है ये कितनी है, 1 मीटर की, ठीक है। इससे ऊपर होता है आपका प्लिंथ लेवल, क्या होता है प्लिंथ लेवल, PL, ये क्या होता है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल आपको दिया गया है, प्लिंथ लेवल आपका 50 cm, कितना 50 cm, और इससे ऊपर आपको दी गई है हाइट ऑफ कॉलम, कॉलम की हाइट कहां तक, ये कॉलम की हाइट है क्योंकि ऊपर तो स्लेब आ गई, ये कॉलम की हाइट है, ये कॉलम की हाइट है 3 मीटर। तो यही आपको करना है, यही आपको करना है, इसको जोड़ना है यहां पर नीचे जो ये क्लियर कवर है इसको माइनस करना है, और इधर से 12.5 ये जोड़ना है, 12.5 ये जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं वो समझो। सबसे पहले हम ऐड करेंगे डेप्थ ऑफ बिलो GL। ये देखो जो ये गहराई है यहां से लेके यहां तक की गहराई है, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं डेप्थ ऑफ बिलो ग्राउंड लेवल से नीचे की गहराई, ठीक है। तो पहले ये ऐड करेंगे हम, तो मैंने यहां पर लिखा डेप्थ ऑफ बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये मैंने ऐड की, इसमें अब मैं ऐड कर लेता हूं ये ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच की डेप्थ को, तो यहां पर लिखेंगे या डिस्टेंस में बोल दूं, ये डिस्टेंस है, तो इसको मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन GL एंड प्लिंथ लेवल। भाई डिस्टेंस किन के बीच की है, ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच की डिस्टेंस, ये हो गई, ठीक है। प्लस मैं यहां पर लिख देता हूं प्लस। अब मुझे क्या ऐड करनी है, अब मुझे प्लिंथ लेवल से ऊपर की हाइट ऑफ कॉलम अबाउ PL, ठीक है। यहां पर मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ कॉलम अबाउ PL, प्लिंथ लेवल से ऊपर की हाइट, कॉलम की प्लिंथ लेवल से ऊपर की हाइट। तो अब देखो
मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट मेंशन कर ली, ये जोड़ ली मैंने, ये मैंने जोड़ ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने जोड़ ली। बट देखो आपका जो ये वर्टिकल बार आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, तो नीचे आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, ये आपका क्या है, क्लियर कवर, ये आपका क्या है, क्लियर कवर। तो इसमें आप माइनस करोगे, इसको मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं, यहां पर माइनस कर दूं, माइनस क्लियर कवर ऑफ फुटिंग, किसका, फुटिंग का, ये फुटिंग का क्लियर कवर है, ये किसका, फुटिंग का क्लियर कवर है, ठीक है। अब माइनस करोगे आप इसमें से जो इसमें नीचे में रेन फोर्स डल रहा है, बॉटम में रेन फोर्स, एक तो ऐसे डलेगा बोथ साइड में ना, एक ऐसे और एक ऐसे, इसके बाद ही तो ऊपर सरिया है, तो आपको यहां तक पहुंचना है, इस लाइन तक पहुंचना है सरिये की, तो आप माइनस करोगे माइनस टू मल्टीप्लाई, दो ही सरिये करेंगे ना, एक इसकी इसका डाया और फिर इसका डाया, और दोनों का डाया कितना है ये, तो टू मल्टीप्लाई डाया ऑफ बार फुटिंग, किसकी, फुटिंग की, ठीक है। और यहां तो हो गया, ये माइनस कर दिया नीचे क्लियर कवर, और इस सरिये का और इस सरिये का डाया माइनस कर दिया, एक सरिये का डाया 12 mm ये, और एक सरिये का ये, तो दो से गुना कर दूं, ठीक है। और अब प्लस अब ऐड करना है आपको ये, अब आपको ऐड करना है ये क्या, 12 मल्टीप्लाई डाया ऑफ वर्टिकल बार, कैसी बार है, वर्टिकल बार बोल दूं या मेन बार बोल दूं, तो यहां पर बोल देता हूं मैं डाया ऑफ मेन बार, मैं क्या बोल देता हूं, मेन बार इन किसमें है, ये फुटिंग में, किसमें है ये, फुटिंग में, इन फुटिंग में ना भाई, ये 12 mm का जो डाया हमने इधर बैंड किया है, ये किसमें गया है, फुटिंग में, और ऐसे ही 12 mm प्लस डाया हमने इन टू किसमें बैंड किया है, स्लेब में, तो ऐसे ही आप यहां पर करेंगे प्लस 12 मल्टीप्लाई डाया ऑफ मेन बार इन किसमें है, ये ऊपर क्या है, स्लेब, और नीचे आपकी क्या है, फुटिंग इन स्लैब, तो ये आपका पूरी लेंथ निकल जाएगी, लेंथ ऑफ मेन वर्टिकल बार की पूरी लेंथ निकल जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये समझना है आपको, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसकी, अभी बहुत क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इसके, कई सारे क्वेश्चन हम इसके आपको लेकर चलेंगे। अब देखो, अब यहां पर ऐड कर दीजिए आप, मैं लिख लेता हूं लेंथ ऑफ, शॉर्ट में लेंथ ऑफ मेन बार प्लस डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, डेप्थ ऑफ बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से नीचे डेप्थ कितनी है, 1 meter की, कितनी है, 1 meter की, 1 meter प्लस, उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल प्लस एंड प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 centimeter, 50 centimeter को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 0.5 meter, कितना आ जाएगा, 0.5 meter, तो यहां पर आप लिखेंगे 0.5 meter, मैं मीटर में चेंज कर रहा हूं भाई, सेंटीमीटर और मीटर तो जोड़ नहीं सकते। अब उसके बाद आइए ऊपर, उसके बाद आपकी हाइट ऑफ कॉलम अबाव पीएल, हाइट ऑफ कॉलम अबाव पीएल कितनी है, 3 meter, कितनी है, 3 meter, देखो हाइट ऑफ कॉलम कितनी है, 3 meter, तो प्लस आप ऐड कर देंगे 3 meter, ठीक है, 3 meter, माइनस यहां पर देखिए क्लियर कवर ऑफ फुटिंग, ये नीचे का क्लियर कवर माइनस करेंगे, क्लियर कवर मैं कितना लेता हूं, क्लियर कवर लेता हूं फुटिंग में मैं 50 mm का क्लियर कवर लेता हूं, इसको मीटर में चेंज कर लो, देखो एक काम कर लो आप, पूरे को mm में चेंज कर लो, क्योंकि आप मीटर में चेंज करने में आपको गड़बड़ा दोगे, किसमें, मीटर में चेंज करने में आप गड़बड़ा दोगे, तो मैं mm में बदल लेता हूं। अब देखो मैं इसको रफ करता हूं, अब ये 1 meter है, 1 meter को mm में चेंज करोगे तो 1 meter में कितने, 1000 mm होते हैं, तो यहां पर मैं लिख दूं 1000 mm प्लस, ये था आपकी डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड पीएल 50 centimeter, इसको mm में चेंज कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 500 mm भाई, 50 centimeter मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 500
एमएम, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्लस, इसमें ऐड कर दो क्या, हाइट ऑफ कॉलम अबाउ पीएल कितनी है, 3 मीटर, 3 मीटर को किसमें बदल दो, एमएम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, तो कितना आ जाएगा आपका 3000 mm, 1000 mm, 500 ये आ गया, माइनस क्लियर कवर आपका कितना है 50 mm का, क्लियर कवर आपका कितना है 50 mm का, ये है 50 mm, ठीक है। अब माइनस 2 मल्टीप्लाई डाया ऑफ फुटिंग, डाया ऑफ फुटिंग कितना है 12 mm का, क्योंकि ज़्यादा 12 mm में है तो इसलिए हमने किया, तो 12 mm, ठीक है। फिर प्लस ऐड करेंगे हम यहाँ पर, प्लस 12 मल्टीप्लाई डाया ऑफ मेन बार का डाया कितना है आपका 20, प्लस फिर 12 मल्टीप्लाई 20 ये स्लेब में, तो ये आपकी यहाँ पर क्या निकल जाएगी, लेंथ ऑफ मेन बार। अब मैं इसको ऐड कर लूँ, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एक बार, मैं यहाँ पर लिख दूँ ये कितना है 1000 और 3000 कितना हो गया 4000 और ये 500 तो कितना हो गया 4500 mm, माइनस 50 mm, माइनस 12 × 24 24 mm, ठीक है। इसको ऐड कर लो कितना हो गया 12 × 24 240 mm, प्लस 240 mm और 12 × 24 240 mm, ठीक है। तो अब इसको कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसको ऐड करूं 4500 प्लस 240 प्लस 240 इज इक्वल टू, ठीक है, और माइनस कर दो इसमें से, माइनस कर दो इसमें से 50 और 24 कितने, 50 और 24 कितने हो गए 74, माइनस 74 तो आपके पास आया, आपके पास आया वैल्यू कितनी आई 4906 mm। तो आपको इस लेंथ का सरिया, लेंथ ऑफ मेन बार जो वर्टिकल सरिया यहां से लेके यहां तक जो आपको सरिया काटना है वो कितना 4 मीटर 0.90 यानी कि अगर मैं बोलूं 4.906 मीटर का आपको सरिया काटना है इस कॉलम में, इस कॉलम में डालने के लिए, तो आपको 6 सरिये काटने होंगे इस लेंथ के। तो ये होता है हमारा लेंथ ऑफ मेन बार, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, अब हमें निकालनी है यहाँ पर क्या, लेंथ ऑफ लैटरल टाइज। अब देखो जो सरिये में हम रिंग डालेंगे, जो हम ये वर्टिकल बार है कॉलम को, कॉलम का जो सरिया है उनको बांधने के लिए हमें क्या चाहिए, रिंग, और रिंग को हम क्या बोलते हैं लैटरल टाइज, रिंग को हम क्या बोलते हैं लैटरल टाइज। जो ऐसा रिंग बनाया जाएगा ना, ये ऐसा रिंग बनाया जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं लैटरल टाइज, इसको हम क्या बोलते हैं लैटरल टाइज। तो हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर टू क्या, लेंथ ऑफ लैटरल टाइज, यहाँ पर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ लैटरल टाइज, तो यहाँ पर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ लैटरल टाइज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी 4 की 4 मल्टीप्लाई। अब देखो क्या है साइड ऑफ कॉलम, ये है आपका कॉलम, स्क्वायर कॉलम चारों ओर इधर, ठीक है, साइड कॉलम की साइड कितनी है स्क्वायर कॉलम की, ये देखिए कितनी साइड है कॉलम की, कॉलम की साइड देखिए यहां पर 300 mm × 300 mm, तो ये है आपका 300 mm, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाई क्लियर कवर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्लियर कवर, क्लियर कवर लिखना है, क्लियर कवर 2 मल्टीप्लाई क्लियर कवर माइनस, अब आपको 2 मल्टीप्लाई डाया ऑफ टाइज, लैटरल टाइज, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये आपको
एड ऑन करना है, ये जो ये बैंड करते हो आप एक साइड में कितना करते हो 85, और इस साइड भी ये जो बैंड करोगे आप सरिये को कितना करोगे 85 डाया ऑफ लैटरल टाइज। तो इसको यहां पर ये और प्लस 8 और 8 16, तो 16.5 में बैंड करूंगा, ठीक है। तो अब आप निकाल सकते हो लेंथ ऑफ लैटरल टाइज 4 मल्टीप्लाई, यहां पर ब्रैकेट ही दे देता हूं मैं, ब्रैकेट साइड ऑफ कॉलम 300 mm माइनस 2 मल्टीप्लाई, इसका जो क्लियर कवर लूंगा मैं 40 mm लूंगा, क्लियर कवर 40 mm, और माइनस 2 मल्टीप्लाई लैटरल टाइज कितनी है आपकी 8 mm की, और प्लस 16 मल्टीप्लाई 8 mm। तो इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ आपको, 4 ब्रैकेट बंद कीजिए 300, ये कितना है 80 माइनस 80, ये कितना है 8 × 2 = 16 माइनस 16 ब्रैकेट बंद, और प्लस और 16 की जब आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, तो इज इक्वल टू आपके पास कितना आया 944 mm। तो आपको जो सरिया मिलेगा, जो आपको लैटरल टाइज के लिए, जो सरिया लैटरल टाइज के लिए काटोगे, तो उसकी लेंथ जो होगी, ये पूरी लेंथ जो होगी 944 mm। अब हम क्या करते हैं कि अब ये जो हम लैटरल टाइज रिंग कितने रिंग बनाने हैं हमें, नंबर्स ऑफ लैटरल टाइज, तो आपको क्या निकालना होगा, नंबर्स ऑफ लैटरल टाइज, तो नंबर्स ऑफ लैटरल टाइज आपको निकालनी है। नंबर्स ऑफ लैटरल टाइज आप क्या करेंगे, जो आपका वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम में देखो, समझो ये आपका कॉलम था, ये आपकी फुटिंग थी, ये ऊपर आपकी स्लेब है, आपने सरिया यहां से लिया, ये इधर बैंड किया, ऐसे लेकर गए यहां नीचे तक लेकर गए, ठीक है, और ऐसे ही इस साइड का सरिया इधर बैंड किया, यहां से लेके यहां तक लेकर गए। तो आप जो लैटरल टाइज डालोगे कहां से डालोगे, इसको थोड़ा यहां कर देता हूं इक्वल, तो यहां से डालोगे एक लैटरल टाइज यहां, यानी कि एक रिंग यहां पर डालोगे, फिर इनके बीच की जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग कितनी है इनके बीच की लैटरल टाइज की 250, तो उनके बीच की स्पेसिंग छोड़ोगे और ऐसे लैटरल टाइज दिखाओगे, ऐसे लैटरल टाइज दिखाओगे, ठीक है। तो ये लैटरल टाइज आपको दिखानी है, तो ये दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो इस वर्टिकल लेंथ, ये मैंने पूरी लेंथ निकाल रखी है, अगर मैं 12.5 और 12.5 इसमें से माइनस कर दूं, जो हमने ये लेंथ निकाली है कितनी 4906 में से अगर 12.5 और 12.5 माइनस कर दूं, यानी कि 12.5 यानी कि 240 और 240 कितना हो गया 084, 480 में से माइनस कर दूं, तो मुझे क्या लेंथ मिल जाएगी, ये यहां से लेके यहां तक, जिसमें हमें क्या डालनी है लैटरल टाइज, तो वो निकाल लेता हूं मैं पहले, तो 4906 माइनस कितना 480 इज इक्वल टू मेरे पास आया 4426 mm, कितना आया 4426 mm मेरे पास ये लेंथ आई, और इसको डिवाइड कर दो स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाइज, तो मुझे क्या करना है यहां पर मैं लिख सकता हूं वर्टिकल लेंथ ऑफ मेन बार जो वर्टिकल लेंथ है डिवाइडेड बाई स्पेसिंग ऑफ क्या लैटरल टाइज +1। तो ये जो मैंने वर्टिकल लेंथ निकाल ली, जो बैंड की वो घटाई मैंने, जो बैंड की है ना 12.5 वो बैंड माइनस की है, तो मेरे पास कितना 4426 डिवाइडेड बाई 250 +1, तो इसको डिवाइड कर दो 4426 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू आपके पास आया 17.704, और +1 ऐड कर दीजिए 18.704
नंबर्स आ गए, तो आप नंबर्स पॉइंट में नहीं छोड़ सकते, तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पर कितने नंबर्स, 19 नंबर या 18 नंबर छोड़ दो सेज, या आप 90 नंबर्स लिख सकते हो कि आपको कितनी लैटरल टाइज डालनी है, 19, तो थोड़ा 19 डाल सकते हो आप, 18 19 डाल सकते हो, कितनी 19 नंबर्स ऑफ लैटरल टाइज आपको डालनी है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन, हमने सबसे पहले क्या निकाला, लेंथ ऑफ मेन वर्टिकल बार, फिर हमने क्या निकाली, लेंथ ऑफ लैटरल टाइज, फिर हमने क्या निकाली, नंबर्स ऑफ लैटरल टाइज, फिर हमने क्या निकाला, नंबर्स ऑफ लैटरल टाइज। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, कॉलम की, ये वैल्यू हो गई हमारी जो वर्टिकल कॉलम है वो। अब हम बात करेंगे फुटिंग पर, अब हम बात करेंगे फुटिंग पर, अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ फुटिंग। तो अब हमें क्या निकालनी है, तो यहीं पर मैं निकाल देता हूं, अब मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ बार फॉर फुटिंग, फॉर फुटिंग, फुटिंग के लिए क्या लेंथ होगी, तो साइड ऑफ फुटिंग, क्या साइड ऑफ फुटिंग, साइड ऑफ फुटिंग, और माइनस टू मल्टीप्लाई एंड कवर, क्या एंड कवर। तो साइड कितनी है देख लो, एक साइड कितनी है, ये राइट स्क्वायर है ना, 2.5 मीटर, कितनी है साइड, 2.5 मीटर, तो इसको मैं एमएम में बदल दूं, तो एमएम में बदलने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से, तो कितना जाएगा आपका 2500 एमएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आया, तो यहां पर लिखिए 2500 एमएम यहां पर लिखिए, और माइनस कीजिए 2 मल्टीप्लाई फुटिंग का, एंड कवर कितना लेते हैं आप 500, तो इसको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2400 एमएम आ जाएगा। तो 2400 एमएम की लेंथ का आपको फुटिंग के लिए सरिया काटना है, इस साइड भी डलेगा, इस साइड भी डलेगा, तो कितना होगा 2.4 मीटर का, कितना अगर मैं मीटर में बदल दूँ इसको, अगर मैं इसमें मीटर में बदल दूँ, तो सरिया आपको काटना है 2.4 मीटर लेंथ का फुटिंग के लिए, 2.4 मीटर लेंथ का आपको सरिया काटना है। स्पेसिंग देख लेते हैं, स्पेसिंग देख लेते हैं कितनी है। अब देखो आपकी रेनफोर्स सीमेंट आप डाल रहे हो, तो 12 mm डायगी, उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 180, तो नंबर्स ऑफ फुटिंग में जो बार डलेंगी वो भी निकाल सकते हो आप, इसको डिवाइड कर दो 2400 को डिवाइडेड बाई 180, तो वो भी आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पर निकाल सकते हो नंबर्स ऑफ बार फॉर फुटिंग, नंबर्स ऑफ बार फॉर फुटिंग, तो निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल देता हूँ मैं, नंबर्स ऑफ बार फॉर फुटिंग, फुटिंग तो कैसे निकालेंगे, कितना है आपका 2400 डिवाइडेड बाई 180 प्लस 1, इसको डिवाइड कीजिए 13.33 आएगा, प्लस 1 कितना आ जाएगा 14.33, तो 14 नंबर्स आप ले सकते हो, कितने 14 नंबर्स आप ले सकते हो, और कितने हो जाएगा 14 × 2 = 28, दोनों साइड के कितने हो जाएंगे 28 नंबर्स आ जाएंगे। तो ये था आपका टोटल क्या बार बेंडिंग शेड्यूल जो आपको निकाल कर दिखाना है, कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल ऐसे आपको निकाल कर दिखाना है, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अब हमें क्या बनानी है, यहाँ पर ड्राइंग बनाकर दिखानी है, क्या उसका प्लान और उसका एलिवेशन। तो मैं इसको फिलहाल रब कर देता हूँ, तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल अगर निकालने के लिए पेपर में आएगा तो बार बेंडिंग शेड्यूल आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर, स्केल तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ 1:10 की, तो मैंने स्केल क्या ली, 1:10 की स्केल ली, ठीक है। हमें सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, फुटिंग से, फुटिंग का साइज है 2.5 मीटर × 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ और सेंटीमीटर बदल दूँ, तो 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर, तो फुटिंग कितनी आई 25 सेंटीमीटर। अब बोथ साइड में उसकी डेप्थ कितनी है, मोटाई कितनी है 300 mm, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ 300 mm को डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 30 mm, 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर, 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर। तो स्केल को आपको अपनी ड्रॉइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, ये आपकी स्केल ड्रॉइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेनी है, और यहाँ पर आइए, यहाँ पर जब आए आपने 25 सेंटीमीटर की तो ली फुटिंग, इसकी मोटाई है आपकी 3 सेंटीमीटर की, तो 3 सेंटीमीटर की आपने मोटाई ली 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। और इसको अभी देखो फिलहाल के लिए मिला रहा हूँ ऐसे,
ऐसे मिलाया मैंने इसको, और मैं इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ फुटिंग का, इस फुटिंग का मैंने सेंटर पॉइंट मार्क किया, ठीक है। 25 का हाफ कितना होगा, 12.5, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, क्लियर। अब मैं देखता हूं मेरा कॉलम का साइज क्या है, कॉलम का साइज 300 mm, 300 को जब मैंने डिवाइड किया कितना आया, 3 cm, 3 cm, सेंटर लाइन से 1.5 सेंटीमीटर इधर, 1.5 सेंटीमीटर इधर, तो मैंने यही वर्क किया, सेंटर लाइन से 1.5 सेंटीमीटर तो इस साइड लिया मैंने, और 1.5 सेंटीमीटर इस साइड लिया, और मैं इस कॉलम को ऊपर लेकर गया, इस कॉलम को मैं ऐसे ऊपर लेकर गया, ठीक है। जहाँ तक भी आगे हम उसको रब कर देंगे, अभी लेंथ हम ऊपर कितनी भी ले रहे हैं, जो बचेगी उसको हम रब कर देंगे। तो मैं ये ऊपर लेकर गया कॉलम ऐसे, ठीक है, तो कॉलम ऐसे ऊपर लेकर जाइए। अब इसको यहाँ से कर दीजिए रफ, इसको कर दीजिए रफ, बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। अब हम देखते हैं डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो वैल्यूज है वो पहले हम पुटअप करेंगे, फ्रेम बनाएंगे, उसके बाद रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देखो आपको दे रखी होगी डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग ग्राउंड लेवल से नीचे 1 meter है, तो 1 meter को मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, सेंटीमीटर में तो 100 cm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना आया 10 cm, कितना आया 10 cm, तो बेस से आपको 10 cm ऊपर लेना है, बेस से आपने 10 cm ऊपर लिया और आपको क्या मिल गया, ग्राउंड लेवल मिल गया, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये है आपका ग्राउंड लेवल, क्या है ग्राउंड लेवल, तो ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल कितना है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, ये है 1 meter डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल, आपका कितना है 1 meter हाइट पर है, कितना 1 meter, आपको एक्चुअल दिखाना है, ये है आपका GL ग्राउंड लेवल। अब देखते हैं प्लिंथ लेवल कितना है, ग्राउंड लेवल के ऊपर डिस्टेंस इनके बीच की प्लिंथ लेवल तक की कितनी है, यहाँ पर आपको वैल्यूज दी गई है, वैल्यूज दी गई है आपको, ये रही प्लिंथ लेवल की हाइट है 50 cm, 50 cm को भी, 50 cm को भी आपने स्केल से डिवाइड किया, कितना आया 5 cm, तो यहाँ से 5 cm ऊपर लेकर जाइए, 5 cm ऊपर आप लेकर गए, और ये आपने यहाँ पर क्या बनाया प्लिंथ लेवल, ये है आपका PL प्लिंथ लेवल, कितनी हाइट है प्लिंथ लेवल की 50 cm, जो एक्चुअल है वो हम यहाँ पर शो करते चल रहे हैं, जो एक्चुअल है वो यहाँ पर हम शो करते हुए चल रहे हैं, 50 cm हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हाइट देखते हैं, हाइट ऑफ सीलिंग, हाइट ऑफ कॉलम, कॉलम की हाइट आपकी 3 meter, कॉलम की हाइट कितनी है आपकी 3 meter की हाइट है, तो 3 meter की हाइट आप यहाँ पर बनाएंगे, मल्टीप्लाई 100, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा 300 cm डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 30 cm, 30 cm। अब यहाँ से प्लिंथ लेवल से आपको 15 cm ये है, और 15 cm और ऐड कर दूँ, इसलिए मैं यहाँ तक लेकर आया था, तो ये आपका बन गया हाइट, हाइट ऑफ स्लेब, ऊपर आपकी स्लेब की हाइट आ जाएगी, ऊपर आपकी स्लेब की हाइट आ जाएगी, स्लेब की हाइट आ जाएगी, ये स्लेब की हाइट आप कितनी ले रहे हो 15 cm, तो स्लेब की हाइट आप 15 cm ले रहे हो, तो 15 cm को भी आप 10 से डिवाइड करोगे, 1.5 cm आएगा, तो 1.5 cm की हाइट पर आप यहाँ पर ये दिखाएंगे, क्लियर है। तो मैं इसको यहाँ पर जिगजैग फॉर्म में ऐसे कट कर देता हूँ, ऐसे ही इधर से मैं इसको जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर कट कर देता हूँ, जिगजैग फॉर्म में, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न। तो ये जो हाइट आपकी, ये दिखा देते हैं हम, जो ये हाइट आपकी स्लेब तक की कितनी है 3 meter, 1 point बता रहा हूँ मैं, ये कितनी है आपकी 3 meter की हाइट है, क्लियर है 3 meter की हाइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले किस में प्रोवाइड करते हैं फुटिंग। अब फुटिंग में क्लियर कवर और एंड कवर कितना है, फुटिंग के लिए जो हम फुटिंग में रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो रेनफोर्स प्रोवाइड करने के लिए हमें क्लियर कवर एंड कवर कितना लिया हमने, मैं लिख देता हूँ क्लियर कवर और क्या एंड कवर, एंड कवर कितना लिया है 50 mm। अब 50 mm को मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 mm, कितना आया 5 mm, तो 5 mm का आपको क्या छोड़ना है क्लियर कवर और एंड कवर छोड़ना है।
5 mm का क्लियर कवर और एंड कवर। अब देखो आपका रेन 4 से बॉटम में 12 mm डाई की 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो सबसे पहले तो मैं एंड कवर और क्लियर कवर छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर लिया 5 mm, यहाँ पर 5 mm पर मैं पॉइंट मार्क करता हूँ और मैं बार ऐसे प्रोवाइड करता हूँ। बार मैं इधर लेकर गया और यहाँ पर 5 mm का मैंने एंड कवर छोड़ा, 5 mm का मैंने यहाँ पर एंड कवर छोड़ा। ये तो ये मेरा 5 mm का एंड कवर। अब इस बार को मैं इधर भी लेकर गया, इस बार को मैं इधर भी लेकर गया ऐसे, और यहाँ पर आइए और 5 mm का एंड कवर छोड़ दीजिए, जो आगे है उसको रब कर दो, ठीक है। तो ये बार मैंने प्रोवाइड की नीचे, ये बार प्रोवाइड की मैंने नीचे, किसमें? आपकी फुटिंग में। अब इनके बीच की स्पेसिंग, एक तो ऐसे डलेगी, एक तो बार ऐसे दिखाई देगी जब आप फ्रंट से देखेंगे, और एक बार दिखाई देगी आपको ऐसा, तो इसका डाया डाया दिखाई देगा। तो 12 mm का आपको डाया दिखाई देगा, स्पेसिंग दिखाई देगी 180 mm की। तो 180 को मैं डिवाइड करता हूँ स्केल से 10 से, तो मेरे पास कितना जाएगा 18 mm, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर की आपको स्पेसिंग। देखो इसका जो सेंटर पॉइंट है, सबसे पहले मैं बार यहीं पर दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखा दो, या मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे कॉर्नर पर है यहाँ पर बार दिखाता हूँ, तो यहीं पर ले लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले बार दिखाई यहाँ पर, और फिर मैं 1.88 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, 1.88 सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट मार्क करता हुआ ऐसे जा रहा हूँ, 1.88 सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट मार्क करता हुआ ऐसे जा रहा हूँ। तो ऐसे मैंने 1.88 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किए, ठीक है, तो पॉइंट मार्क किए। तो और ये मैंने बार यहाँ पर प्रोवाइड की, ये बार मैंने ऐसे प्रोवाइड की, ऐसे ये बार मैंने प्रोवाइड की। 1-2 mm का अगर स्पेसिंग रहेगा, 1-2 mm का अंतर रहेगा, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। 1-2 mm का जो अंतर रहेगा आप उसको कवर कर लीजिएगा, 1-2 mm का जो अंतर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गई बार, किसमें? फुटिंग में, फुटिंग की कंप्लीट। अब हम डालते हैं मेन बार, रेनफोर्स सीमेंट वर्टिकल 6 नंबर्स और 20 mm डाएगी। अब देखो 6 नंबर में आपको बार कैसे दिखाई देगी, पहले वो समझिए। 6 नंबर में आपको बार कैसे दिखाई देगी वो समझिए, फ्रंट से देखने पर, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, एलिवेशन बना रहे हैं। तो ये मेरा कॉलम है, वर्टिकल कॉलम स्क्वायर, और ये है मेरी लैटरल टाइज, ये है मेरी लैटरल टाइज। दोनों साइड में, चारों साइड में मैंने क्या क्लियर कवर छोड़ रखा है, चारों साइड में मैंने क्लियर कवर छोड़ रखा है 40 mm का। जो ये स्पेसिंग है ये कितना है 40 mm। अब देखो एक बार मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा, एक यहाँ पर करूँगा, एक यहाँ करूँगा, एक यहाँ, चारों कॉर्नर पर तो करूँगा मैं, क्लियर है, क्योंकि मेरी कितनी है, मेरी कितनी है 6 नंबर बार है। तो मैं एक बार यहाँ पर करूँगा और एक बार यहाँ पर करूँगा, तो टोटल नंबर 100 बार कितनी हो गई आपकी 6। बट जब मैं कॉलम को वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम ऐसे खड़ा है, और मैं जब इसको फ्रंट से देखूंगा तो आपको एक बार दिखाई देगी यहाँ इसके पीछे की दिखाई नहीं देगी, एक बार ये दिखाई देगी इसके पीछे की दिखाई देगी, एक बार ये दिखाई देगी इसके पीछे की नहीं। तो आपको एलिवेशन में 3 बार दिखाई देगी, कितनी? एलिवेशन में 3 बार आपको दिखाई देगी। तो वही हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो बार आपको यही दिखाई देगी सेंटर में, तो सेंटर में जो सेंटर लाइन थी उसको मैं एक बार बना देता हूँ, सेंटर में जो सेंटर लाइन थी मैं उसको एक बार बना देता हूँ, सेंटर में जो एक सेंटर लाइन थी मैं इसको क्या बना देता हूँ, बार बना देता हूँ। ये मेरी वर्टिकल बार है, तो वर्टिकल बार आपको कहाँ, कॉलम के यहाँ तक लेकर आनी है। अब आपको 40 mm का क्लियर कवर छोड़ना है, 40 / 10 कितना आ जाएगा 4 mm, तो 4 mm का आपने क्या छोड़ा, क्लियर कवर छोड़ा। तो यहाँ पर आइए और 4 mm का आपने क्लियर कवर यहाँ पर छोड़ा, तो 4 mm का क्लियर कवर छोड़ने के बाद आप बार को लेकर गए ऊपर ऐसे, तो यहाँ पर लेकर आके यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि बैंड करेंगे आप 12.5, इधर कितना बैंड करेंगे 12.5, वो हम बाद में बैंड करेंगे, पहले आप बार पूरी कंप्लीट कीजिए। तो इस बार को आप नीचे भी ऐसे लेकर आइए, ये बार आप नीचे ऐसे लेकर आएंगे, कंप्लीट नीचे ऐसे लेकर आइए, और जहाँ तक आपकी ये बार पड़ी है यहाँ तक आप रुक जाएंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। अरे आपको 12 multiply 20 कितना हो गया 240 mm, डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 24 mm, 24 mm, और ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो आप इधर कितना बैंड करना है आपको 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर आप इधर बैंड करेंगे, और ऐसे ही 2.4 सेंटीमीटर आप ऊपर बैंड करेंगे 2.4 सेंटीमीटर, क्या, क्लियर कवर छोड़ने के बाद। ऐसे ही आप इस साइड आइए, क्लियर कवर आप छोड़ेंगे और बार प्रोवाइड करेंगे, क्लियर कवर छोड़ने के बाद आप बार प्रोवाइड करेंगे ऐसे। देखो स्पेसिंग ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा उसको आप मेंशन मत कीजिएगा, उसको आपको सही कर लेना है, क्योंकि मैं मार्कर से जब बताता हूँ तो स्पेसिंग आ जाती है कम ज़्यादा, ठीक है। तो ये आप इसको नीचे ऐसे लेकर गए और इधर आपने 2.4 सेंटीमीटर आपने बैंड किया, क्लियर है।
तो ये बैंड करने के बाद अब आपको क्या लिखानी है, लेटरल टाइज बनानी है। क्या बनानी है, लेटरल टाइज बनानी है। अब लेटरल टाइज के बीच के स्पेसिंग आपकी कितनी है, देखो ये है आपकी लेटरल टाइज, लेटरल टाइज स्पेसिंग कितनी है 250 mm, लेटरल टाइज के बीच की स्पेसिंग है 250 mm डिवाइडेड बाई 10, कितना आया 25 mm, 25 mm यानी कि 2.5 cm। तो आप लेटरल टाइज बनाएंगे तो पहली आपने लेटरल टाइज यहां पर दिखाई, पहली लेटरल टाइज आपने नीचे ऐसे दिखाई, फिर आपने 2.5 cm की स्पेसिंग ली, 2.5 cm की स्पेसिंग ली और लेटरल टाइज प्रोवाइड की, फिर यहाँ से 2.5 cm में फिर ले लेता हूँ 2.5 cm, फिर मैं 2.5 cm ले लेता हूँ और मैं लेटरल टाइज प्रोवाइड करता जाऊँगा, ऐसे ऐसे लेटरल टाइज प्रोवाइड करता जाऊँगा, ठीक है। तो 2.5 cm फिर लीजिए, 2.5 cm फिर लीजिए और लेटरल टाइज प्रोवाइड करती जाइए। आपको फिर यही वर्क करना है, 2.5 cm, 2.5 cm लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको क्या लेना है, 2.5 cm और 2.5 cm और लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करते हुए जाएंगे। फिर आपने 2.5 cm लिया, फिर 2.5 cm लिया, फिर 2.5 cm लिया, फिर 2.5 cm लिया, पॉइंट मार्क ये में नहीं है। तो लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करते जाएंगे, लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पर 2.5 cm लिया, फिर आपने 2.5 cm लिया, फिर आपने कितना 2.5 cm लिया और फिर आपने 2.5 cm लिया। तो लेटरल टाइज आप ऐसे प्रोवाइड करते जाएंगे। तो ऐसा आपने लेटरल टाइज प्रोवाइड की, क्लियर है। तो ये आपकी लेटरल टाइज हो गई। तो ऐसे आपका ये क्या होता है कंप्लीट, ये होता है एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यूज है, जो नेमिंग है वो करेंगे आप। देखो ये आपकी कितनी है, ये आपकी कितनी है, यहाँ पर दिखाइए, ये है आपकी 2.5 cm फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग है ना, ये है आपकी 2.5 cm और ये आपका कितना है 300 mm, दोनों साइड में 300 mm, कितना है 300 mm, ठीक है 300 mm। अब ये वह दिखा दीजिए, आपकी ये हो गई और आपकी नीचे वाली बार हो गई, कितने की है 12 mm डाई की, एट द रेट 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। ये थी ना आपकी बॉटम में, ओके। अब आपने ये यहां पर कितना बैंड किया, ये यहां पर कितना बैंड किया 12.5 दिखा दीजिए, ये आपने किया है 12.5, ठीक है। ये आपका, ये आपकी क्या है, ये है वर्टिकल बार या मेन बार, ये आपकी क्या है सिक्स नंबर 20 mm डाई की मेन बार, क्या मेन बार, ओके। और ये आपकी क्या है लेटरल टाइज, तो लेटरल टाइज दिखा दीजिए, ये है आपकी लेटरल टाइज। तो आप लिखेंगे लेटरल टाइज का क्या डाया आपका, लेटरल टाइज आपकी है 8 mm डाई की, 8 mm डाई की एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, और क्या है ये लेटरल टाइज, ठीक है लेटरल टाइज, ओके। और ये आपका क्या है फ्रंट एलिवेशन, ये है आपका फ्रंट एलिवेशन। तो ऐसा आपको फ्रंट एलिवेशन बनाना है, क्या बनाना है फ्रंट एलिवेशन। ऊपर आपने कितना बैंड किया, ऊपर आपने कितना बैंड किया है 12.5, तो वो भी दिखा दीजिए 12.5। तो ये फ्रंट एलिवेशन है। अब हमें बनाना है इसका क्या प्लान, अब हमें क्या बनाना है प्लान। प्लान हम क्या होता है, जब हम टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने पर प्लान हम बनाना है प्लान, टॉप से देखने पर हमें क्या बनाना है प्लान, क्या बनाना है प्लान बनाना है टॉप से देखने पर। तो मैं इस साइड बना देता हूं, तो मैं स्केल को थोड़ा उस साइड लेकर जाता हूं और यहां पर बना देते हैं। तो मैं इसको यहां पर लेकर गया, तो हम यहां पर बना देते हैं प्लान इसका, ठीक है। नीचे तो आ नहीं पाएगा, तो प्लान इधर बना देते हैं। देखो स्केल आपको चेंज कर लेनी है, ये नहीं लेनी स्केल आपको 1:20, 1:30 लेनी है, छोटा बनाकर दिखाना है। तो इसको यहां पर कीजिए सेट, यहां पर सेट कीजिए। अब देखो ये आपकी कितनी है 2.5 मीटर है भाई, ये सेंटीमीटर मैंने लिख दिया 2.5 मीटर, ठीक है। तो 2.5 मीटर को मैंने जब सेंटीमीटर लगा 25 सेंटीमीटर आया,
तो आपको क्या करना है, 25 सेंटीमीटर तो लेना है ऐसे, फुटिंग दिखाई देगी आपको, और 25 सेंटीमीटर ऐसे लेना है। ये 15 है, 15 में 10 और ऐड कर दीजिए, 10 और ऐड कर दीजिए, तो ये आपकी फुटिंग तैयार हो जाएगी ऐसे। ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाइए, जहाँ पर जाएगी उसको रब कर दीजिएगा, जहाँ पर जाएगी उसको रब कर दीजिएगा। तो ये है आपकी फुटिंग, ये आपकी क्या है, फुटिंग। अब इस फुटिंग में आपको मिडिल पॉइंट पर क्या दिखाई देगा, कॉलम। ये कॉलम क्या है, मिड पॉइंट पर है। तो मिड पॉइंट पकड़ने के लिए आपको डायगनल एक इधर, एक डायगनल इधर से बनाइए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आइए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक डायगनल लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, तो मैं एक ऐसे लेंथ ड्रॉ करके देखता हूँ, ऐसे लेंथ, तो ठीक जा रही है, तो इसको बना दीजिए। तो यहाँ से एक डायगनल लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1-2 mm इधर उधर हो गई, तो उसको देख लीजिएगा बेटा, ये ड्रॉ की। अब ऐसे ही इस साइड से एक डायगनल लाइन ड्रॉ कीजिए, पहले चेक कर लेते हैं हम डायगनल लाइन को ना ऐसे ड्रॉ करके। अब इसको आगे लेकर जाइए, थोड़ी इधर जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा इधर कीजिए। मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की और ये यहाँ, ठीक है, ये बन जाएगी। तो यहाँ से आइए, तो ये डायगनल लाइन मैं ऐसे लेकर गया और इसको मैं आगे ऐसे मिलाया, इसको मैं आगे ऐसे मिलाया यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल गया, ये सेंटर पॉइंट मिल गया इसका, कॉलम का। कॉलम का सेंटर पॉइंट मिलने के बाद अब हम यहाँ पर फुटिंग का सेंटर पॉइंट, अब कॉलम लगाना है बीचों बीच। कॉलम का साइज आपका 300 × 300 mm, 300 का मतलब कितना होता है, 300 mm डिवाइडेड बाई 10, तो कितना जाएगा 30 mm, यानी कि 3 cm। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो सेंटर में दिखाने के लिए आपको इस सेंटर से 1.5 cm, 1.5 cm इस साइड आप लिए, 1.5 cm आपने इस साइड लिया, ठीक है, ऐसे ही आपने सेम किया, 1.5 cm इस साइड लीजिए और 1.5 cm आप ऊपर लीजिए और इसको मिला दीजिए। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, और इसको मिला दीजिए इधर से, इसके साथ यहाँ पर इसको, इसके साथ यहाँ पर इसको, और इसके साथ यहाँ पर इसको ऐसे, और यहाँ पर इसको ऐसे, और जो ये है इनको कर दो रफ, जो ये है इनको कर दो रफ, और इनको आप डायगनल को ऐसा रफ कर सकते हो, क्योंकि हमें दिखानी है इसमें नंबर्स ऑफ क्या, बार। ओके, ये बन गया मिड पॉइंट पर। अब आप क्या करेंगे, क्लियर कवर छोड़ेंगे 4 mm का, 4 mm का क्लियर कवर छोड़ा आपने चारों ओर, तो 4 mm का क्लियर कवर आपने इस साइड छोड़ दिया, 4 mm का क्लियर कवर आपने इधर छोड़ा, 4 mm का क्लियर कवर आपने इधर छोड़ा, और 4 mm का क्लियर कवर आपने इधर छोड़ा, और इधर बैंड किया आपने 8.5। चार एम एम का क्लियर कवर आपने इधर छोड़ा, और ये जो बैंड कर रहे हो आप यहाँ पर बैंड कर रहे हो 8.5, क्या बैंड कर रहे हो 8.5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ दिखाएंगे, एक बार यहाँ पर दिखाएंगे, एक बार यहाँ पर दिखाएंगे, एक यहाँ पर दिखाएंगे, 4 numbers of bar हो गई, बट कितनी numbers of bar है, 6। तो एक बार आप यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे सेंटर पर, और एक बार यहाँ पर दिखाएंगे सेंटर पर, 6 numbers of bar हो गई। अब आपको क्या करना है, अब जो ये बार है आपकी फुटिंग में पड़ी हुई है, टॉप से देखने पर तो वो फुटिंग का जाल दिखाई देगा, ऐसे भी पड़ी हुई है और ऐसे भी पड़ी, तो वो जाल आपको बनाना है, और उनके बीच की स्पेसिंग है आपकी 180, यानी कि 180 को जब आपने डिवाइड किया था 10 से, तो आपके पास कितना आया था, 18 mm, 18 mm को मतलब 1.8 cm, 1.8 cm। अब देखो यहाँ से सेंटर था, तो मैं बार एक प्रोवाइड करता हूँ ऐसे, यहाँ से लेकर ऊपर ऐसे, यहाँ पर सेंटर था, देखो इसका सेंटर ले लेता हूँ मैं, 25 का सेंटर 2.5 होगा, तो यहाँ से एक बार मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर क्लियर कवर कितना है, क्लियर कवर कितना है 5 mm का, यानी कि एंड कवर, तो 5 mm मैंने इधर मेंशन किया, और 5 mm मैं इधर से कर देता हूँ, ठीक है, और 5 mm मैं इधर से कर देता हूँ इधर से, और 5 mm मैं ऊपर से यहाँ पर मैंने माइनस कर देता हूँ। अब आपको कितना स्पेसिंग लेनी है इनके बीच की, 1.8 cm। तो यहाँ पर आइए, 1.8 cm पर आप बार प्रोवाइड करेंगे ऐसे, और एंड कवर छोड़ देंगे, 1.8 cm पर आप बार प्रोवाइड करेंगे ऐसे, और एंड कवर छोड़ देंगे, 1.5 cm पर आप बार प्रोवाइड करेंगे ऐसे, और एंड कवर छोड़ देंगे, 1.5 cm पर आप बार प्रोवाइड करेंगे ऐसे, और एंड कवर छोड़ देंगे, 1.5 cm पर आप बार प्रोवाइड करेंगे ऐसे, और एंड कवर छोड़ देंगे, और 1.5 cm पर आप बार प्रोवाइड करेंगे ऐसे,
और एंड कवर छोड़ देंगे। क्लियर है? सेम वर्क आपको ऊपर की साइड करना है। 1.5 सेंटीमीटर आपको लेना है, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लीजिए और बार प्रोवाइड कीजिए ऐसे और एंड कवर छोड़ दीजिए। 1.5 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ पर 1-2 mm का अंतर बेटा आएगा तो उसको देख लीजिएगा और बार प्रोवाइड कीजिए ऐसे। 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर बार प्रोवाइड करनी है आपको, यहाँ पर बार प्रोवाइड करनी है आपको, 1-2 mm का अंतर कहीं पर आएगा तो उसको मेंशन कर लेना, ऐसा आपको बार प्रोवाइड करनी है और ऐसा आपको बार प्रोवाइड करनी है। क्लियर है? सेम वर्क आप इधर कीजिए, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1.8 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपने बार प्रोवाइड की ऐसे 1.8 सेंटीमीटर पर, और यहां से भी आपने बार प्रोवाइड की। देखो मैं स्पेसिंग ना क्लियर कर रहा हूं, जो 1-2 mm का अंतर बच जा रहा है ना उसको कवर कर रहा हूं मैं, क्योंकि मार्कर है 2-3 mm का डाया तो यही ले लेता है, ठीक है। तो यहां पर आइए, इसको बनाइए ऐसे। देखो यहां पर आपको स्पेसिंग कम ज्यादा दिखेगा, वो किसकी वजह से, मार्कर की और स्केल की वजह से हो जाता है कभी कभी, तो वो आपको क्लियर कर लेना है। पेंसिल से जब बनाइए, पेंसिल से बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, पेंसिल से बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। ये बनाइए, यहां पर आइए, ये बनाइए, यहां पर आइए, यहां से ये बनाइए ऐसे ही। इस साइड आइए, स्पेसिंग दिखा देता हूं मैं, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसको बनाइए, ये बनाया, क्लियर है? यहां से आगे आइए, आगे आइए, ये बनाइए, यहां से आगे आइए, ये बनाइए, यहां से आगे आइए, ये बनाइए, फिर ऐसे ही आगे की ओर, यहाँ से आगे आइए, ये बनाइए, और यहाँ से आगे आइए, ये बनाइए, ठीक है। तो ये बनाना था आपको प्लान, ये आपका क्या बनेगा, प्लान बनेगा ऐसे, क्या बनेगा, प्लान, ये है प्लान। और ये फुटिंग का जो साइज है 2.5 मीटर का है, ये है कितना, 2.5 मीटर, यह है आपका 2.5 मीटर, कितना है, 2.5 मीटर। इसको दिखाइए, 2.5 मीटर, यह भी कितना है, स्क्वायर है ना तो 2.5 मीटर ही है, 2.5 मीटर ही है, स्क्वायर है तो इसको भी ऐसे कीजिए, 2.5 मीटर। क्लियर है? अब ये बार आप शो कर सकते हो, ये बार आप शो कर सकते हो, ये बार शो कीजिए, कितनी है, पहले इसको बाद में लिखेंगे, 12 mm डाई की 180 mm सेंटर टू सेंटर, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है, ऐसे भी दिखा दो। अगर मैं ऐसे भी बात करूं तो ये भी बार आपकी, ये भी बार आपकी कितनी है, 12 mm डाई की एट द रेट 180 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये मिड पॉइंट पर आपका क्या है, ये आपका कॉलम, क्या है, कॉलम, साइज कॉलम का साइज है 300 mm इंटू 300 mm, ये कॉलम का साइज है। नंबर्स ऑफ बार यहां पर दिखा दीजिए, नंबर्स ऑफ बार, ठीक है, जो भी आप जितनी भी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, नंबर्स ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार कितनी है आपकी, 6 नंबर्स और 20 mm डाई की। तो ये ऐसा आपका क्या कंप्लीट हुआ है, प्लान कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ आप कैसे बनाएंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ आप क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है।
तो यहां पर आपको फ्रंट एलिवेशन और प्लान कैसे बना के दिखाना है ऐसे। अगर फ्रंट एलिवेशन प्लान पूछा जाएगा ये बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ आपको ऐसे बना के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसमें हम आपको फुटिंग जो लेंगे आइसोलेटेड फुटिंग के साथ बताएंगे। ओके।